अध्यात्म जटिल इस वजह से लगता है क्योंकि ये है नहीं, ये बहुत सरल है। ये सिर्फ इस एक वजह से जटिल लगता है, सिर्फ एक वजह से। आप जितनी ज्यादा कोशिश करते हैं उतने ही ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं, लेकिन अगर आप कोशिश न करें तो कोई रास्ता नहीं है। अगर आप ये समझ जाएं तो आप देखेंगे कि आपका ध्यान अलग अलग आयामों में विकसित हो जाएगा। शून्य यानी रिक्तता, खालीपन। वो एक चीज जो आप अपने जीवन में नहीं चाहते, आप खालीपन नहीं चाहते। अपने जीवन में आप ये जो सारी दिक्कतें उठा रहे हैं, शिक्षा, परिवार, प्रोफेशन, पैसा, समस्याएं, सब कुछ, किसी तरह आप ये पक्का करना चाहते हैं कि आपका जीवन खाली ना हो। आप बस इतना ही करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी कीमत पर आप ये देखना चाहते हैं कि आपका जीवन खाली नहीं है। आपको परेशानी से एतराज नहीं है, लेकिन आप नहीं चाहते कि ये खाली हो। लोग अपने जीवन में इतने सारे दर्द को न्योता इसलिए दे रहे हैं बस खालीपन से बचने के लिए, क्योंकि खालीपन सबसे बड़ा जहर है। ये सबसे बड़ा जहर है। आप नहीं चाहते कि आपका जीवन खाली हो, लेकिन अगर आप जानबूझकर खाली हो जाएं, तो वही जीवन का अमृत है। बस इसीलिए शून्य ध्यान है। शून्य यानी खुद को बाहर करना। अगर आप खुद को अपने जीवन से बाहर करने की कला में महारत हासिल कर लें, तो सिर्फ 15 मिनट के शून्य से ही आत्मज्ञान हो सकता है। लेकिन ऐसे इंसान बहुत कम होते हैं जो खुद को बाहर करने के लिए तैयार हैं। ऐसी चीजें सिर्फ तभी आती हैं जब उनमें समर्पण की एक गहरी भावना हो। समर्पण की ओर उनकी मदद किए बिना यह असंभव नहीं है, लेकिन दुर्लभ है। यह हर एक इंसान के लिए संभव है, लेकिन जब लोग ध्यान को बेहतर तरह से जीने की एक तरकीब के रूप में उपयोग करते हैं, तो खुद को बाहर करने का सवाल ही नहीं उठता है ना। इसे आप अपने लिए ही कर रहे हैं, आप अपनी खुशहाली के लिए ध्यान कर रहे हैं। यह अपने आप में ही एक हार है। लेकिन अगर मैं लोगों से कहूं बस ध्यान कीजिए, जरूरी नहीं कि इससे कोई खुशहाली आए, तो ज्यादातर लोग कभी ध्यान नहीं करेंगे। तो हम खुशहाली के बारे में बात कर रहे हैं, आपको होने वाले फायदों के बारे में बात कर रहे हैं, जो खुद को हराने वाली बात है। अध्यात्म जटिल इस वजह से लगता है क्योंकि ये है नहीं, ये बहुत सरल है। ये सिर्फ इस एक वजह से जटिल लगता है, सिर्फ एक वजह है, क्योंकि इट्स अ प्रोसेस ऑफ सेल्फ इनहेलेशन। ये खुद का विनाश करने की एक प्रक्रिया है। ये सिर्फ उसके लिए है जो खुद को विलीन करने के लिए तैयार हो। कोई खुद को कैसे विलीन कर सकता है? अगर मैं कहूं मैं खुद को विलीन करने जा रहा हूं, तो आप किसी और की तुलना में और ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आप जितनी ज्यादा कोशिश करते हैं, आप उतने ही ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं। लेकिन अगर आप कोशिश ना करें तो कोई रास्ता ही नहीं है। बस ये कला, ये जुगत सीखनी होगी। कोशिश करना, लेकिन इसकी परवाह ना करना कि क्या हो रहा है। यही ध्यान का सार तत्व है। अगर आप बस ये समझ लें कि जो कुछ भी होता है आपको उससे कोई दिक्कत नहीं है, फिर धीरे धीरे आप उससे बाहर हो रहे हैं। आप कोशिश करने की प्रक्रिया से बाहर नहीं हो सकते, लेकिन आप उससे पैदा होने वाले फल से बाहर हो सकते हैं, है ना? अगर आप इसे दूर कर दें, आपके साथ कुछ होने की जरूरत नहीं है, कोई फायदा नहीं चाहिए होगा। भले ही आपको यातना दे, आप फिर भी हर दिन बैठेंगे। अगर आप में ये भाव आ गया, तो आप देखेंगे कि आपका ध्यान अलग अलग आयामों में विकसित हो जाएगा। पर लोग हमेशा ध्यान करते समय हिसाब लगाते रहते हैं, मुझे भरपूर फायदा हो रहा है ना। ये अपने आप में एक सीमा है। लेकिन आप लोगों को फायदा दिए बिना उन्हें प्रेरित नहीं कर सकते। कोई भी ध्यान नहीं करेगा अगर आप उनसे कहें कि आपको मिलेगा कुछ नहीं, बस ध्यान कीजिए। तो यहीं पर ध्यान सीमित हो गए। शून्य
शून्य यानी एक ऐसा आयाम जो भौतिक नहीं है, या वो जो असीमित है। ये सबसे कीमती चीज है, लेकिन इसे समझने के लिए भी थोड़ी सूक्ष्मता की जरूरत होती है। अगर आप बस निर्देशों का पालन करें और बैठ जाएं, तो शारीरिक स्तर पर बदलाव हो रहे हैं, जो साफ तौर पर आगे की ओर एक कदम है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं, आप किस तरह का अभ्यास करते हैं, शून्य का वास्तव में कोई विकल्प नहीं है। 15 मिनट के शून्य से ही आत्मज्ञान हो सकता है। आपकी सामान्य समझ में ये सबसे बड़ा जहर है, लेकिन आप इसे पीकर देखिए, ये सबसे बड़ा अमृत है। अगर आप खाली हो जाएं, तो इसी में सब कुछ समाया हुआ है।